8 times chapter number 10 page number 203 ncrt page number 203 ncrt straight lines जो है ये हमारा थोड़ा बहुत बिल्कुल थोड़ा सा जो 10th स्टैंडर्ड में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। आपने 10th स्टैंडर्ड में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम लोगों ने 10th में निकाला था। यहां पे अगर a के कोऑर्डिनेट से x1 y1 b के कोऑर्डिनेट से x2 y2 सो a भी आपके पास आ जाएगा x2 minus x1 square plus y2 minus y1 का whole square. This is the formula to find the distance between two points. फिर हम लोगों ने टेंथ में फॉर्मूला पढ़ा एक और, that is section formula. Section formula में क्या होती है? एक लाइन अगर आपके पास AB है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, C point ने इस पूरी लाइन को किसी रेशियो में m is to n में डिवाइड कर दिया है, तो C के कोऑर्डिनेट्स निकालो। क्या हम लोग अगर इसका m x2 n x1 अपॉन n प्लस n m y2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस n, ये सारा नोट करना है, ये सारा वैल्यू होगा चैप्टर में आगे आपका। फिर एक और हमारा टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लास्ट ईयर आप लोगों का सिलेबस से डिडक्ट हो गया था, आप लोगों ने करा नहीं था, मैंने दूसरा मैंने करवाया था आप लोगों को, नहीं आप तो कोई बात नहीं। देखिए एरिया निकालने के लिए तीन आपको पॉइंट्स ही होंगे ट्रायंगल के, x1 y1 x2 y2 और c पॉइंट हो जाएगा हमारा x3 y3 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड x y minus y x y minus y plus x y minus y किया जाए। बट यहाँ पे क्या है, लेबलिंग तो सर करी नहीं, तीन पॉइंट्स हैं a b c x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये बेसिक फॉर्मूला ने लिख दिया। अब इसमें आपको नंबरिंग याद रखनी है, क्या होती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ पे आ जाएगा x2 और यहाँ पे आ जाएगा x3, फिर 1 के बाद आता है 2 और फिर आता है 3, तो 1 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 3, 2 के बाद क्या आएगा 3 और फिर आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा 1 और यहां पे आएगा 2। तो फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा, हाफ ऑफ मॉड, ये ब्रैकेट नहीं है मॉड लगा हुआ है, मतलब अगर इस पूरे के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो बाहर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब फार्मूला x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 नोट करो इसको। नोट करके डन। राहुल डन, काल डन, समझ आ रहा राहुल? सुबह मनकीरत अरे कुछ समझाया नहीं, ये समझाया क्या? पिछले साल के फॉर्मूला लिखवाया बस मैंने, अभी अभी हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चंस। अब स्ट्रेट लाइंस का पहला फॉर्मूला, पहला टॉपिक, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। अब ये स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब हो गया स्टीप, ये कितनी स्टीप है, पहाड़ में बोलते हैं बहुत ज्यादा स्लोप है किसी एरिया पे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मीट करेंगे ओरिजिन पे। सपोज वी हैव अ लाइन, दिस इज लाइन L1। अब ये लाइन L1 की स्लोप कितनी है ये कैसे निकालेंगे? कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी जब क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है ऐसे मूव करना, मैं कह रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बन रहा है? एज्यूम कर लेते हैं थीटा,
स्लोप को डिनोट करती है एम से, तो एम इज इक्वल टू टैन थीटा, स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा, टैन थीटा के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है जी। तो अगर कोई भी एक लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो स्लोप कितना हो जाएगा, टैन 45, टैन 45 वन, 60 डिग्री बनाएगा तो टैन 60 रूट 3, टैन 30 डिग्री बनाएगा तो टैन 30 कितना होता है, 1/√3 स्लोप हो जाएगी। ये चीज क्लियर है सबको, तो कोई भी लाइन कितना एंगल स्लोप बनाएगी, स्लोप किस पर डिपेंडेंट है कि कितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ, जिसमें एम इज इक्वल टू टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा जो होता है हमारा आपके पास स्लोप दे देगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस लाइन पे मेरे को नहीं गिवन, मेरे को नहीं गिवन कि एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, मुझे सिर्फ ये गिवन है कि ये जो लाइन है ये दो पॉइंट से बन रही है जो कि है x1 y1 और x2 y2 से कनेक्ट करके बन रही है। तो इन दैट केस आल्सो वी कैन फाइंड द स्लोप, स्लोप का फार्मूला हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्लियर है सभी को, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, नोट करो इसको। यहां पे आपके पास अगर दो पॉइंट गिवन है, आपको बोल रहे हैं उससे क्या निकालो, स्लोप निकालो, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या, y2 - y1 और x2 - x1। फॉर एग्जांपल आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ए है आपके पास 3,4 और बी है 6,2, आपको क्या करना है, स्लोप निकालनी है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1, y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 4 अपॉन x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3, कितना आ जाएगा -2/3, तो स्लोप कितनी आ गई मेरे पास -2/3 आ गई। क्लियर एवरीवन, अगर एक लाइन 45 डिग्री बना रही है तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 45 बन, 30 डिग्री बनाएगा m tan 30 1/√3, tan 60 m is equal to tan 60, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, क्लियर है जी। दो पॉइंट से पास हो रहा तभी हम लोगों ने निकाल लिया, सो यू कैन इजीली सॉल्व नाउ। एग्जाम्पल नंबर वन देखिए, एग्जाम्पल नंबर वन में आपके पास बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, पहले तीन हो जाएंगे, इसमें आपको टू पॉइंट फॉर्म यूज कर रहा है, दो पॉइंट के बिना से आपको स्लोप निकालनी है, पहले तीनों पार्ट में खुद सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में बोल रहा है पेज नंबर 207 में कि आपका मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो थीटा आपका 60 के बना है तो आप स्लोप निकाल लेंगे टैन 60 से। अब ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि आपके पास कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, कैन इट बी पॉसिबल कि दो लाइन हो सकती है पैरेलल हो सकती है, तो कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो मैं बोलूंगा कि उनकी जो स्लोप्स है वो आपस में इक्वल होंगी। Wherever the two lines are parallel, their slopes will be equal. अगर दो lines आपस में perpendicular है, अगर दो lines आपस में perpendicular है, in that case, product of these slopes is equal to -1. Product of slopes is equal to -1, नोट डाउन कर लीजिए कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दे विल हैव द सेम स्लोप्स, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स इज इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स इज -1। After this, if two lines
इंटरसेक्ट ईच अदर दे विल मेक सम एंगल थीटा. अगर कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो उसके बीच में कोई ना कोई एंगल बन जाएगा. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज थीटा. तो ये एंगल कितना फॉर्म होगा? इसका फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 में m1 m2 मॉड लगा हुआ है. मॉड का मतलब हमेशा अंतर वापस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. मॉड का मतलब है कि हमारे पास हमेशा आंसर आएगा तो क्या आएगा आपके पास? पॉजिटिव आंसर आएगा. तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये फॉर्मूला किसका है? एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. एग्जांपल नंबर टू देखिए. एग्जांपल नंबर टू आपको गिवन है. If the angle between two lines is pi by 4, मतलब theta आपको given है. दो लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है? Pi by 4, 45 डिग्री का. And slope of one line is 1 by 2. एक लाइन का स्लोप मैं लेट कर लेता हूँ कि m1 आपको कितना given है? 1 by 2 given है. आपको क्वेश्चन में कहा है find the slope of the other line. दूसरी लाइन की स्लोप निकालो. फॉर्मूला में पुट कर दो. tan theta, theta कितना है? Pi by 4. दूसरी लाइन m2, पहली लाइन का स्लोप है 1 by 2 divided by 1 plus m1 is 1 by 2 into m2. tan 45 आपके पास आ जाएगा 1 which is equal to mod लगा हुआ है. ऊपर दोनों तरफ LCM लीजिए. LCM आपके पास 2 आ जाएगा जिससे हो जाएगा 2m2 minus 1 upon 1 plus m2. Sorry, this is 2 plus m2. ऊपर एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. नीचे भी एलसीएम 2 आ जाएगा. क्लियर है? अब योर वीडियो इज लैगिंग. अब यहां पे इसकी वैल्यू निकालेंगे. निकाली कैसे वैल्यू? आपको वैल्यू यहां पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मॉड हटाना पड़ेगा. तो जब भी मैं मॉड हटाऊंगा तो लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा. चला जाएगा 2m2 minus 1 upon 2 plus m2. अब बार बार m2 m2 लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है. तो इसलिए m2 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ? उसको रिप्लेस करके m लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि m2 थोड़ा आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी. तो आप क्वेश्चन में लिख ही देना let m2 is equal to m. m2 को हमने कैलेक्ट कर लिया, m लेट कर लिया. मॉड हटाऊंगा तो हमसे लेफ्ट साइड पर प्लस माइनस आएगा. क्यों आएगा? थ्री. एक बार माइनस वन के इक्वल रख रहे हैं यहाँ पे. दूसरी तरफ से स्लोप आपके पास आ जाएगी माइनस वन बाय थ्री. एक तरफ स्लोप हमारी थ्री है, ऑन द अदर हैंड दी स्लोप है माइनस वन बाय थ्री. तो दो स्लोप एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे. और दो क्यों एडजस्ट करिए? क्योंकि मॉड लगा हुआ है. करो इसको बस. या नेगेटिव में भी आंसर आ सकता है. क्यों आ सकता है बाबा नेगेटिव में आंसर? क्योंकि क्योंकि आपके पास जो क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट्स के अंदर आप लोग काम करते हैं. हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4. तो हर जगह जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉजिटिव नहीं होते. नाउ एग्जांपल नंबर 3. पेज नंबर 210. एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 210.
यहाँ पे आपको बोल रहा है लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6 और 4, 8 लाइन थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट है ये -2, 6 और दूसरा पॉइंट है 4, 8 दिस इज परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन है जो कि पास हो रही है 8, 12 एंड x, 24 से देयर आर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब x की वैल्यू कैसे निकालें आपको जो करना है ये लाइंस को लेफ्ट कर लेते हैं l1 ये लाइन है l2 दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं l1 परपेंडिकुलर है l2 के तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1 l1 का स्लोप कितना हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1 8 - 6 / 4 - -2 m2 m2 की स्लोप निकालिए 24 - 12 / x - 8 which is equal to -1 8 minus 6 2 2 by 6 2 by 6 is 1 by 3 multiplied by 12 upon x minus 8 is equal to -1 3 1 the 4 the cross multiply 4 is equal to -1 into x minus 8 minus x plus 8 x is equal to 4 तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है नेक्स्ट पेज अब एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर होगा सबका नोट कर लिया बेटा अब 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज ऑन द y एक्सिस अलोंग व्हिच द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज ओरिजिन इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2a है ये पूरी साइड 2a है ये वाली साइड 2a है और ये पूरी साइड 2a है यहां से ऊपर की तरफ ये पॉइंट a है ये वाला पॉइंट भी आपके पास a गिवन है आपको बोल रहा है फाइंड द वर्टिसेस वर्टिसेस निकालने हैं तो b वर्टेक्स कितना आ जाएगा मेरा 0, a c मेरे पास आ जाएगा 0, माइनस a अब ये a रह गया a कैसे निकालोगे आप ये यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करो इसमें बी ओ ए ट्रायंगल में दिस विल बी ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ओ बी इज ए ओ ए टू ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर तो ओ ए OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी a रूट थ्री तो जो a है ये है a रूट थ्री कॉमा जीरो a रूट थ्री कॉमा जीरो तो आपके यहाँ तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए a का भी आ गया b का भी आ गया c के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए क्लियर है देते हैं इजी सा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है आपको कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे x, 0 व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू पॉइंट ये पॉइंट
दो पॉइंट्स हैं उनसे इक्विडिस्टेंट है, एक के क्वाड्रेंट से 7.6, दूसरे क्वाड्रेंट से 3.4, इक्विडिस्टेंट है मतलब PA PB के इक्वल हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, अप्लाई द फार्मूला वी हैव x - 7 स्क्वायर + 0 - 6 स्क्वायर, ऑन द राइट वी हैव x - 3 स्क्वायर + 0 - 4 होल स्क्वायर, सॉल्व करिए इस इक्वेशन को, यहां से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करो फटाफट, बताओ क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके, एंड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेंट क्राइटेरिया पढ़ा था आपने 7th चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज में था ये, This is 3, x minus 3 होल्स को, ये 3 लिखा हुआ बेटा, this is x minus 3 होल्स को, 0 minus 4, x minus 7, 0 minus 6, सरन, सुवेद क्या आंसर आया? दोबारा सारे वाले मैं ही कराने है क्या, खुद भी कर लो ट्राई, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, 9 प्लस 16, अच्छा इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, और हम सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस 36, दिस इज 85 माइनस 14x, 25 माइनस 6x, लेफ्ट पे ले आएंगे 60 इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू 7.5 आ रही है, अपूर्वा ग्रेट, अपूर्वा ने सही निकाल लिया, बाकी सब बेटर है, क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएंगे इसके 7.5.0, अगर मंतिरत क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आएगी बच्चे, कट जाएगा ना x स्क्वायर दोनों तरफ से, डन हो गया सबका, डन, अरे टेप लिया खुद भी कुछ कोशिश कर लो, फिफ्थ वाला खुद करेंगे आप लोग, इलेवेंथ वाला भी आप खुद करेंगे, इलेवेंथ क्वेश्चन इज सेम एज एग्जांपल नंबर टू, लिख लो इलेवेंथ क्वेश्चन पे सेम एज एग्जांपल नंबर टू, क्योंकि उसके अंदर दो लाइंस के बीच में एंगल गिवन है, पहले आपको गिवन था एंगल दो लाइन से 45, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दी एक्स दी क्वेश्चन आ गया, मैं लिखवा देता हूँ, दी स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल ऑफ दी अदर, अगर एम वन एम है तो m टू 2m1 हो जाएगा, जो कि हमारे कितनी वाली हो जाएगी 2m हो जाएगी, एक लाइन की स्लोप दूसरे लाइन की डबल है, ये m है तो ये 2m हो जाएगा, एंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, मतलब कि दो लाइंस हैं l1 l2 दोनों के बीच में थीटा बन रहा है, आपको कह रहा है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, सो tan थीटा 1/3 हो जाएगा, ये गिवन है आपको, क्या फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1/3 इज इक्वल टू 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m into 2m, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, राइट साइड से मॉड हटाएंगे तो लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस आएगा, इस पूरी वैल्यूज को एक बार आप 1/3 रखोगे और एक बार -1/3 टू फाइंड दी स्लोप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 सर 3a-2 बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना ना अकाल मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास देखिए बोल रहा है लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स x1 y1 एंड h, k एंड दिस इज स्लोप m और इस लाइन की स्लोप कितनी गिवन है m गिवन है सो आपको इक्वेशन को शो करना है। अब कैसे करेंगे इस लाइन की स्लोप m है और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 / x2 - x1 कितना हो जाएगा k - y1 / h - x1 क्रॉस मल्टीप्लाई और यही यहां पे आपको प्रूफ करना है k - y1 = n h - x1। इतना छोटा सा था ये क्वेश्चन बस। अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए डिस्कस कराए जिसमें आपके पास क्या था कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ते कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप्स इक्वल दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो हमारा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तीन पॉइंट्स कोलीनियर हो वो लीनियर का मतलब क्या होता है कि तीन पॉइंट्स कहां लाए कर रहे हैं एक लाइन में लाए कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कोलीनियर पॉइंट्स। अगर कोलीनियर होंगे असमी तो जो ए बी की स्लोप है वो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी ए सी के इक्वल हो जाएगी। ए बी की स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी ए सी के मतलब इसकी जो स्लोप होगी वही स्लोप इस पूरी लाइन ए सी की हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे कि जो तीन पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या है कोलिनियर है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि बीसी की स्लोप एसी के इक्वल है कह रहे हैं जी लेकिन मैं यहां से ये नहीं बोल सकता कि एबी की स्लोप बीसी के इक्वल होगी। दिस मे और मे नॉट ये क्या हो जाएगा मे और मे नॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल भी तो है दोनों की स्लोप सेम है। अब इन दोनों की स्लोप अगर सेम हो जाएगी तो जरूरी रहेगी आपके पॉइंट कोलिनियर ही होंगे। कोलिनियर में क्या होता है तीन पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं एबी और एसी एक इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर लेंगे। यहां पर लिखवाया बीसी और एसी अब मैं बीसी बोलू और बीसी के साथ में मैं एसी ले रहा हूं या सीए लिखू एक ही बात होती है ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे एसी लिखू या सीए लिखू एक ही बात है क्योंकि दोनों के बीच में बीसी एसी में एक इनिशियल पॉइंट सेम है एबी एसी में यहाँ पे ए हमारा इनिशियल पॉइंट था दे रहे तो ऐसे और यहां से ऐसे मैं ऐसे और ऐसे नहीं बोल सकता। मैं अगर ऐसे लूंगा मैं ए बी और ए सी तो ये भी तो इनिशियल पॉइंट सेम आ गया क्या कोलिनियर होंगे नहीं हो पाएंगे। जब आप निकालोगे ना यहाँ पे कोलिनियर आएगा ही नहीं है नेक्स्ट इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी के स्कूल में सब्जेक्टिव हो रहा पेपर सब्जेक्टिव है राइट गुड अश्मी द्वारका इंटरनेशनल एंड आईटीएल दोनों में सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है ऑब्जेक्टिव तो है ही है दोनों है गुड अच्छा है दोनों है क्योंकि वन मार्कर सॉल्व करने के लिए तो क्वेश्चन को सॉल्व पूरा ही करना पड़ेगा सब्जेक्टिव है वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास गिवन है तीन पॉइंट h, 0, a, b and 0, k आपको दिस थ्री पॉइंट लाए ऑन अ लाइन और आपके उसके बाद एक इक्वेशन शो करनी है। इक्वेशन क्या शो करनी है a by h plus b by k is equal to 1
a by x plus b by k is equal to one, मेरे को शो करना है. कैसे शो करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, क्योंकि तीन पॉइंट कोलिनियर है. ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे? x x2 minus x1 upon y, sorry, y2 minus y1 upon x2 minus x1. AC में k minus 0 upon 0 minus h. This is b upon a minus h is equal to k upon minus h cross multiply minus bh is equal to k times of a minus h. AK minus HK, BH को right side पे ले लो, तो ये जगह AK plus BH, HK को left पे लेंगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा. But मेरे को proof क्या करना है? A upon H, लेकिन A के साथ K आ रहा है. A के नीचे H आना चाहिए, A के नीचे H, देखो, A के नीचे H आना चाहिए, जो proof होना है यहाँ पे K है. B के नीचे K आना चाहिए, लेकिन B के साथ H है. तो क्या करूँगा? पूरी question को HK से divide करूँ. हो जाएगा एच के बाय एच के, ए के बाय एच के, यहां पे कट के वन, यहां पे आ जाएगा ए अपॉन एच प्लस बी बाय के. ए बाय एच प्लस बी बाय के इज इक्वल टू वन. फिर 14 वाला खुद करोगे सेम इसी तरीके से, वहां पे स्लोप्स को तीन पॉइंट्स को लियर लेके सॉल्व कर लोगे.